इस वीडियो की जानकारी इंटरनेट से ली गई है। इस दवा का उपयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह निश्चित रूप से आवश्यक है। इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप किसी भी दवा का उपयोग करते हैं तो हम किसी भी दुष्प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। ड्यूरालास 30 टैबलेट सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिएपेक्टिक इनहिबिटर्स के नाम से जानी जाने वाली दवाओं के एक समूह से संबंधित है। इसे खाने के साथ या बिना खाए लिया जा सकता है। यह दवा तभी लेनी चाहिए जब आपको डॉक्टर द्वारा शीघ्र पतन के साथ डायग्नोज किया गया हो। इसे दिन में एक बार से अधिक बार न लें। इस दवा को लेने के दौरान अपने डॉक्टर के निर्देशों का पालन करें। इस दवा के कुछ सामान्य साइड इफेक्ट में सिर दर्द, चक्कर आना, सुस्ती, उल्टी, मिचली आना, अपच, थकान, ज्यादा पसीना निकलना और बेचैनी शामिल हैं। इस दवा को लेने से कुछ लोगों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन का विकास हो सकता है। अगर कोई साइड इफेक्ट बना रहता है या आपको चिंतित करता है तो डॉक्टर को बताएं। ड्राइव या ध्यान केंद्रित करने वाले कोई भी काम न करें, जैसे भारी मशीनरी पर काम न करें जब तक आप यह न जान लें कि यह दवा आपको कैसे प्रभावित करती है, क्योंकि कुछ लोग चक्कर आना और उनींदेपन जैसे साइड इफेक्ट विकसित कर सकते हैं। अगर आपको हृदय की समस्याएं हैं, जैसे हार्ट फेलियर या हृदय की लय में समस्याएं, या आपको कभी डिप्रेशन या मैनिया रहा है, या आप वर्तमान में माओ इनहिबिटर नामक डिप्रेशन की दवाएं ले रहे हैं, तो ड्यूरालास 30 टैबलेट न लें। अगर आपको पहले कभी मिर्गी दौरे का विकार या फिर लिवर या किडनी की बीमारी, ग्लूकोमा या कम ब्लड प्रेशर के कारण चक्कर आना, बेहोशी, सिंकोप की समस्या रही है, तो इसे लेने से पहले आपको अपने डॉक्टर को इस बारे में सूचित करना चाहिए। ये आपके इलाज को प्रभावित कर सकती हैं। ड्यूरालास टैबलेट के मुख्य इस्तेमाल। शीघ्र पतन का इलाज। ड्यूरालास टैबलेट के लाभ। शीघ्र पतन का इलाज। ड्यूरालास 30 टैबलेट मस्तिष्क में सेरोटोनिन नामक केमिकल के स्तर को बढ़ाकर काम करता है। इससे स्खलन में लगने वाला समय बढ़ जाता है तथा स्खलन पर बेहतर नियंत्रण प्राप्त होता है। यह आपके जल्दी से इजेक्युलेशन होने का कारण बनने वाली किसी भी निराशा या चिंता को कम करने में मदद करता है और आपका आत्मविश्वास बढ़ाता है। इस दवा को दिन में एक बार से अधिक न लें। ड्यूरालास टैबलेट के साइड इफेक्ट। इस दवा से होने वाले अधिकांश साइड इफेक्ट में डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ती है और नियमित रूप से दवा का सेवन करने से साइड इफेक्ट अपने आप समाप्त हो जाते हैं। अगर साइड इफेक्ट बने रहते हैं या लक्षण बिगड़ने लगते हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। ड्यूरालास्ट के सामान्य साइड इफेक्ट। सुस्ती, मिचली आना, झटके लगना, उल्टी, चक्कर आना, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, थकान, सिर दर्द, ज्यादा पसीना निकलना, अपच, बेचैनी। ड्यूरालास टैबलेट का इस्तेमाल कैसे करें। इस दवा की खुराक और अनुपान की अवधि के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। इसे साबुत निगल लें, इसे चबाएं, कुचलें या तोड़ें नहीं। ड्यूरालास 30 टैबलेट को खाने के साथ या भूखे पेट भी ले सकते हैं, लेकिन बेहतर यह होगा कि इसे एक तय समय पर लिया जाए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।